उत्तराखंड की सिलखियारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूर को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे के अंदर 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को टनल से बाहर लाएगी। टनल के पास बेस हॉस्पिटल है जहाँ मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें 30-35 किलोमीटर दूर चिनियाली सॉर्ड ले जाया जाएगा। वहाँ 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। इससे पहले सिलखियारा साइट से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेड माइनर्स ने हादसे के 17वें दिन खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गए। उन्होंने करीब 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की। 24 नवम्बर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी, इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे सिस्टम के साथ जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर चला गया है बाइक। इस प्रकार से काम चल रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और बाई बार बार होते ही सबको क्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है, हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना देखी है।